us that support the cause all the time. I've had Madhu year after year. Thank you very much. I call it building my tribe, where you give back in your way to society. Like I always say, we are blessed by everything we have, and it is this space that we can come together and make a difference in children's life. Thank you, Madhu. Thank you, Charles. And I hope you're going to join my tribe. Thank you, Farhana. Thank you, Farhana, for organizing this fantastic program. I love your enthusiasm and your spirit. And thank you for including me year after year. Because sometimes I feel that I get complacent sitting at home, my children, my life. And people like you, when you organize such an event and include me, it makes me feel that I'm doing something important. And thank you for making me a part of this wonderful evening. And celebrate life is what it is. It's beautiful. I am a part of your tribe. Terrence is joining the tribe. And it is our tribe. बस यही कहूँगा कि कल बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे, और इस शुभ अवसर पे व्हाट कैन बी मोर बेटर देन यू नो अ फंड रेजर, जहाँ पर जो भी पैसे यू नो ऑक्शन से मिलते हैं वो उन गरीब बच्चों के लिए जाते हैं, जहाँ पे उनकी जो व्यवस्था है वो अच्छी हो सके, बी इट एजुकेशन, बी इट गेटिंग अ फैमिली, अडॉप्शन के इशूज़ होते हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मेरा योगदान कुछ नहीं था, बस ऊपर से चलना था, कपड़े भी किसी और ने दिए हैं, अर्जुन खन्ना ने दिए हैं. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हियर वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमें बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ लोगों को मिला नहीं है, और अगर हम थोड़ा योगदान कर दें तो बहुत एक बहुत छोटी बात है. आई थिंक हमने बहुत बहुत थोड़ा सा काम किया है. एक्चुअल काम वो सोशल वर्कर्स हैं जो एक्चुअली इन बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और उनको आगे एक मौका देते हैं. सो आई फील कि मेरा योगदान बहुत छोटा रहा है, बट आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई एम गोइंग डेफिनेटली कम ईयर आफ्टर ईयर यू नो टू सपोर्ट दिस. थैंक यू सो मच. ये सारी चीज़ें मैं भी कहना चाह रही थी, इन्होंने कह दिया, सो आई सेकंड दैट. वो सबसे बहुत ज्यादा एक बहुत अगली लगता है जब आप साड़ी एक हाथ से जब पकड़ के चलते हो, लेकिन मैं सोच रही थी शुड आई फॉल और शुड आई होल्ड, शुड आई डांस और शुड आई डू व्हाट. बस मैंने ये जो सीढ़ियाँ विदाउट फॉलिंग आई मैनेज्ड, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट. तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये मैनेज कर लिया, और बहुत अच्छा लगा. अभी क्या करें, वो अपने जहन में है तो वो थोड़ा बहुत निकल जाता है, और क्योंकि वो वैसा वाला फैशन शो नहीं है जहाँ पे आपको बहुत सीधा फेस रख के एकदम स्टर्न लुक और एकदम गुरूर के साथ ऐसा एटीट्यूड देना है, बस आपको थोड़ा इन्जॉय करना है. सो आई वॉज इन्जॉइंग माई सेल्फ. इट वॉज अ वेरी नाइस फैमिली काइंड ऑफ अ शो, एंड इट वॉज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ. खुश रहो यार. मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने इस संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने यू नो बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया है. आई नो टू पीपल लाइक दैट. और देखिए बच्चे जो अनाथ होते हैं तो उनको एक फैमिली चला जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फैमिली स्ट्रक्चर, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कैमरा के जो पीछे है, कैमरा के जो आगे है, फैमिली की क्या अहमियत है. एंड आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फैमिली, एंड द फाउंडेशन ऑफ CSA वर्क करता है ताकि सही अडॉप्शन मिले, सही फैमिलीज मिले. अगर 18 साल के बाद भी अगर उनको अडॉप्शन नहीं मिलती है, देन दे कैन ऑफ हेल्प देम इन देयर वर्क, कारीगरी में इनकी व्यवस्था वो भी करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी सब लोग अपने अपने, हम सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए किसी और के लिए जीना ये बहुत बड़ी बात है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. आई वांट टू ऐड समथिंग हियर. सो वेरी मेनी टाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज वी हैव दीस अमेजिंग फैमिलीज, वी हैव एवरीथिंग दैट इज सिटिंग राइट विद अस. But there are so many children that do not have that great start, जिनके पास कुछ नहीं है, कभी एक one meal नहीं है, hug नहीं है, प्यार नहीं है. So when people do the adoption, most of them are adoptee parents of CSA. I've been in the cause for 7 years on different capacity. Celebrate Life has happened for many years, and it shall happen for many, many years. We need all the support of all of you and people like Madhu and Terrence. Cheers to you always. इसका हिंदी अनुवाद मैंने कर लिया है तो छाप के अलावा लता जी की शेयर काफी खराब है. किसकी? लता. ओह ओके. आई नो शी इज वेरी इल, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. के लता जी इज अ जेम ऑफ आवर कंट्री. वो हमारी, आई डोंट नो व्हाट टू से. So I'm sure she'll be all right soon. She's a fighter and she'll fight it, and may God bless her and may she have a long, long, long life. जैसे नाम सुनते हो वैसे अलग कैरा में चले जाते हैं, जैसे कि आप भी अभी गए थे.
आई वुड से लता जी को का नाम लेते हैं हम कान पकड़ते हैं बिकॉज़ गुरु जी की तरह ही है. शी हैज लिव्ड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ एंड इंस्पिरेशनल लाइफ और इतना त्याग किया है अपने कला के लिए. सो आई थिंक शी इज़ द रोल मॉडल फॉर ऑल दोज हु आर आर्टिस्ट, चाहे हम अलग फील्ड में रहें, डांस या म्यूजिक. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन आर्टिस्ट जर्नी और जो जर्नी उन्होंने किया है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत यू नो वेरी इंस्पिरेशनल है. एंड ऑफ कोर्स हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज तो होनी है बिकॉज यू नो इट्स द एज, बट हियर वी आर विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट लता जी. सो प्लीज गेट वेल सून एंड मे द फोर्स बी विथ यू. थैंक यू सो मच.